बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं रसमलाई विद रबड़ी केक। इंग्रेडिएंट मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने 250 ml मिल्क लिया है, जिसमें मैंने ऑलरेडी 10 से 12 केसर के धागे को मैंने उसमें सोक कर दिया है, और वो थोड़ा सा वार्म मिल्क है। एक एग लिया हुआ है, 3 टेबल स्पून मिल्क पाउडर, 200 ग्राम मैदा, 1/3 कप ऑयल, 1 कप शुगर, पिंच ऑफ सॉल्ट, 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टेबल स्पून बेकिंग सोडा। यहाँ पे मैंने रसमलाई रबड़ी का क्रश लिया हुआ है, ये रसमलाई एसेंस है येलो कलर। एक बाउल ले लेंगे, जिसमें हम अपने एग को अच्छी तरह से फेंट लेंगे। ऑयल ऐड कर दिया, ऑयल को भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैंने रिफाइंड ऑयल यूज़ किया, आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं। जो केसर सोक्ड मिल्क था वो हम हाफ यहाँ पे ऐड कर देंगे। इसमें मैंने 10 से 12 केसर डाल दिया था, ताकि जो उसका एक्स्ट्रैक्ट है वो उसमें आ जाए, और हाफ मिल्क हम रख देंगे, बाद में मिक्स करते टाइम यूज़ करेंगे। यहाँ पे जो हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट है, मैदा, शुगर, दूध पाउडर, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, पिंच ऑफ सॉल्ट, सबको अच्छी तरह से हम छान लेंगे, ताकि जो इसके अंदर जो भी गुठली हो वो अलग हो जाए, और हमारा जो एक स्मूथ टेक्सचर है वो हमें मिल जाए। अब हम अपने ड्राई इंग्रेडिएंट को इसमें मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। इसे हमें ओवर मिक्स नहीं करना है, हमें राउंड एंड कट के प्रोसीजर से ही इसे मिक्स करना है। अब हम इसके अंदर अपना जो रसमलाई एसेंस है वो ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून रसमलाई एसेंस ऐड कर दिया है, 1 ड्रॉप येलो कलर ऐड कर दिया है, ये जेल येलो कलर है। सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बैटर हमारा थोड़ा ठीक है, जो हमारा लेफ्ट ओवर मिल्क है वो हम ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बैटर अच्छी तरह से यहाँ पर मिक्स हो चुका है। इसकी जो थिकनेस है ये एकदम परफेक्ट थिकनेस है। इसे हम एक 1/2 kg का यहाँ पे मैंने मोल्ड लिया है, जिसे ऑलरेडी मैंने बटर पेपर लगाकर ऑयल से ग्रीस कर लिया है। इसमें हम अपना बैटर पोर कर देंगे। बैटर को हम 2-3 बार डैप डैप कर देंगे, ताकि जहाँ फिलिंग ना हो वहाँ फिलिंग बैठ जाए। कढ़ाई को मैंने पहले ही 10 मिनट पहले प्री हीट पर रख दिया था। केक को हम 50 से 55 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर बेक करेंगे। आफ्टर 40 मिनट मैंने यहाँ पे चेक किया था, बैटर यहाँ पर लग कर आ रहा है टूथपिक में, यानी यहाँ पे अच्छी तरह से बेक नहीं हुआ है। 50 मिनट के बाद यहाँ पे मैंने एक बार और चेक किया था, हमारा केक अच्छी तरह से बेक हो चुका है, टूथपिक एकदम क्लियर आ रहा है। ये जब रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तब हम इसे डीमोल्ड करेंगे। यहाँ पे मेरा केक एकदम ठंडा हो गया था, रूम टेम्परेचर पे आ गया था, तब मैंने इसे डीमोल्ड किया, वरना ये टूट सकता है। बेस बहुत ज़्यादा स्पंजी और बहुत ज़्यादा नरम बना था, आप देख लें कितना जालीदार है। इस एक फ्लैट सरफेस देने के लिए ऊपर की जो स्किन है वो हम निकाल लेंगे। इसे आप एक नाइफ की मदद से इजीली निकालें, ताकि आइसिंग करते टाइम हमें एक इवन टेक्सचर मिले, अनइवन टेक्सचर ना मिले। यहाँ पे मैंने ऊपर की जो स्किन है उसे निकाल लिया, और इसे दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे हम, दो लेयर में। पहले आप इस पर कट लगा दें कि कितने कितने दूर पे आपको निकालना है। इसे थ्रेड की मदद से भी निकाल सकते हैं, वो वीडियो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने बना के डाला है, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने दो कट लगा लिया था, उसके बाद मैंने नाइफ़ की मदद से अच्छे से इसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, आप देख लें। डिवाइड करने के बाद इसे सोक करने के लिए यहाँ पे हम शुगर सिरप का यूज़ नहीं करेंगे, हम कुछ डिफरेंट फ्लेवर यूज़ करेंगे। यहाँ पे जैसे मैंने लिया है रसमलाई, रसमलाई रबड़ी का क्रश लिया हुआ है, और ये क्रीम है हमारी व्हिपिंग क्रीम, इसे हम व्हिपिंग क्रीम को व्हिप कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 250 ml व्हिपिंग क्रीम लिया हुआ है, इससे हम केक की आइसिंग करेंगे। व्हिप करते हुए यहाँ पे मुझे 3 मिनट हो गए हैं, आप देख सकते हैं इसकी क्या थिकनेस है। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं अभी तक इसमें कोई थिकनेस आई नहीं है। यहाँ पे मैंने इसे दोबारा व्हिप करना शुरू कर दिया है। ओवरऑल पूरे 7 मिनट लगते हैं, 7 से 8 मिनट 250 ml क्रीम को व्हिप करते हुए। इसे हमें जब तक व्हिप करना, जब तक इसमें एक स्टिफ पिक ना आ जाए। आठ मिनट हो चुके हैं और हमारी क्रीम अच्छी तरह से व्हिप हो चुकी है। मैं आपको पलटी करके बाउल भी दिखा रही हूँ, यहाँ पे कोई भी क्रीम गिरी नहीं है।
इसका मतलब ये अच्छी तरह से यहाँ पे विप हो चुकी है। अब हम अपने केक को सोक कर लेंगे। यहाँ पे मैंने रसमलाई रबड़ी का क्रश लिया हुआ है और ये जो सेकंड है ये मैंने रसमलाई लिया हुआ है, इसे हम अच्छे से क्रश कर लेंगे। और जो रसमलाई के अंदर शीरा होता है वो भी हम दोनों ऐड करके अच्छी तरह से केक को मॉइस्ट कर लेंगे। सेम प्रोसीजर हम तीनों लेयर के साथ करेंगे ताकि अच्छी तरह से मॉइस्ट हो जाए और इसके अंदर रबड़ी और रसमलाई का फ्लेवर अच्छी तरह से आए। केक की फाइनल आइसिंग करने के लिए यहाँ पे मैंने टर्न टेबल के ऊपर नीचे थोड़ा सा क्रीम लगा लिया हुआ है कार्ड पर ताकि हमारा केक स्लिप ना खाए। और मैंने फर्स्ट लेयर पर अच्छी तरह से एक पाइपिंग बैग में क्रीम भरकर अप्लाई कर दिया है। ये थोड़ा ईजी होता है, ये ईजी वे है क्रीम लगाने का। पाइपिंग बैग में हम क्रीम को फिलअप कर दिए और हर लेयर पर अच्छी तरह से क्रीम को अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे अब मैंने थर्ड लेयर रखा हुआ, थर्ड लेयर पे टॉप लेयर पे भी हम अच्छी तरह से ज़्यादा अमाउंट में क्रीम अप्लाई करेंगे और इसे अच्छी तरह से फिनिशिंग दे देंगे नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ भी। फिनिशिंग देने के लिए मैंने यहाँ पे कार्ड का भी इस्तेमाल किया, आप जिससे भी कंफर्टेबल हो। मैंने स्पैचुला से भी फिनिशिंग दिया है, कार्ड से भी, और यहाँ पे जो एक नाइफ आती है केक नाइफ उससे भी। तो आप जिससे कंफर्टेबल हो उसे आप फिनिशिंग दे दें अच्छी तरह से। केक के ऊपर एक येलोइश इफेक्ट देने के लिए यहाँ पे मैंने वन ड्रॉप यहाँ पे येलो कलर, जेल येलो कलर यूज़ किया, उसके अंदर मैंने क्रीम फिल कर दी है। ये मैं केक के टॉप लेयर पे हल्का सा क्रीम लगाऊंगी ताकि इसके ऊपर थोड़ा येलोइश इफेक्ट आ जाए। यहाँ पे मैंने फाइनल फिनिशिंग कर दी है, आप देख लें। उसी सेम पाइपिंग बैग में मैंने एक स्टार नोज़ल लगाकर मैंने उसके अंदर थोड़ा सा येलोइश कलर डाल दिया है और यहाँ पे मैं फ्लावर बना रही हूँ स्टार नोज़ल से। यहाँ पे जो हमारा रसमलाई है वो हम एक एक करके इंसर्ट कर देंगे। यहाँ पे मैंने कलरफुल लिया हुआ येलो, पिंक एंड वाइट, आप अपने हिसाब से जो आपको पसंद है वो आप ले सकते हैं। उसी सेम स्टार नोज़ल से मैंने नीचे यहाँ पे डिज़ाइन बना दिया हुआ ताकि ये थोड़ा नीट और फिनिश लगे। यहाँ पे क्रीम बच गई थी तो इसलिए मैंने यहाँ पे छोटे छोटे ऊपर से डॉट बना दिए हैं और यहाँ पे नीचे वाली लेयर में भी, ऊपर जो अपर साइड वाली लेयर है उस पर भी सेम जो मैंने नीचे डिज़ाइन बनाया हुआ है वो मैंने यहाँ पे अपर लेयर पे भी बना दिया हुआ है। यहाँ पे मेरे पास सिल्वर और पिंक कलर के पर्ल हैं, उसे मैंने थोड़ा थोड़ा ऊपर से स्प्रिंकल कर दिए हैं और कलरफुल स्पार्कल जो होते हैं वो भी मैंने इसके ऊपर स्प्रेड कर दिया हुआ। ये इसका फाइनल लुक है, आप देख सकते हैं। बाद में थोड़ी लेफ्ट ओवर क्रीम बच गई थी उसके अंदर मैंने रेड कलर डालकर नीचे हल्का हल्का एक स्टार नोज़ल से छोटे छोटे फ्लावर बना दिए हैं। यहाँ पे मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ, आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बना था और इसका जो टेस्ट था वो एकदम रसमलाई और रबड़ी का टेस्ट आ रहा था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर भी कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं सज्जो कैंड कुक। और केक की रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं, प्रीवियस मेरी वीडियोस में मैंने इस केक की जो रेसिपी की पूरी डिटेल है वो